हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज पेपर डेट इट सिक्सटी ट्वेंटी थ्री फर्स्ट न्यूज़ है फॉरेन लॉयर्स लॉ फॉर्म्स कैन प्रैक्टिस इन सेलेक्ट फील्ड्स इज बी तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फॉर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए ये जो यहाँ पर अलाउ किया जाएगा ये रेसिप्रोसिटी बेसिस पर किया जाएगा रेसिप्रोसिटी बेसिस का क्या मीनिंग है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो फॉरेन लॉयर या फॉरेन लॉ फर्म किसी पर्टिकुलर कंट्री के हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर यहाँ पर इंडिया के लॉयर्स और इंडिया के लॉ फर्म्स को अलाउ किया गया है तभी इनको अलाउ किया जाएगा अगर कोई कंट्री है वहाँ पर इंडिया के लॉयर्स और इंडिया के लॉ फर्म्स को नहीं अलाउ किया जाता है तो इंडिया में भी उस कंट्री के लॉयर्स या उस कंट्री की लॉ लॉफर्म्स को अलाउ नहीं किया जाएगा तो ये सब कुछ यहाँ पर रेसिप्रोसिटी बेसिस पर है लेकिन अगर यहाँ पर फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट की प्रैक्टिस है तो ये यहाँ पर रेसिप्रोसिटी बेसिस पर नहीं होगा अब ये फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट की प्रैक्टिस क्या है तो इसका मतलब ये है जो फॉरन लॉयर्स हैं ये काउंसिल की तरह इंगेज हो सकते हैं इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन केसेस इन्वॉल्विंग फॉरन लॉ तो यहाँ पर रेसिप्रोसिटी बेसिस का जो प्रिंसिपल है ये अपलिकेबल नहीं होगा अब हम डिटेल में देख लेते हैं बाकी और ज्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन पेज पर देखेंगे इन अ मूव दैट कुड ट्रांसफॉर्म द लीगल लैंडस्केप द दार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड फॉरन लॉयर्स एंड लॉ फॉर्म्स टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया ऑन अ रेसी प्रोसिटी बेसिस ऑल दो कोर्ट्स में अपीयर होना अभी भी इनके लिए प्रोहिबिटेड है ये कोर्ट्स में अपीयर नहीं हो सकते हैं ट्राइब्यूनल्स के सामने अपीयर नहीं हो सकते हैं ये स्टार्टरी बॉडीज या रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सामने भी अपीयर नहीं हो सकते हैं फॉरन लॉयर रजिस्टर्ड एंड रूल्स शेल बी एंटाइटल्ड और ये लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन नॉन लिटिगस मैटर्स में ये अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं लॉ इन इंडिया द फॉरन लॉयर्स और फॉर लॉ फॉर्म्स शेल नॉट पीपर्मिट टू अपियर बिफोर एनी कोर्ट ट्राइब्यून और अदर स्टैटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज द रेसी प्रोसिटी रूल हाउ एवर विल नॉट अप्लाई इफ द फॉर लॉयर और लॉ फॉर्म वर्क ऑन फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट बेसिस द बी सी आई मेंल्सो रिफ्यूज टू रजिस्टर एनी फॉरन लॉयर और लॉ फॉर्म इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ़ द काउंसिल जो फॉरन लॉयर्स लॉ फर्म्स हैं ऑफ़ एनी पर्टिकुलर फॉरन कंट्री रजिस्टर्ड इन इंडिया इज लाइकली टू बी बिकम डिस प्रोपोशनेट टू द नंबर ऑफ इंडियन लॉयर्स और इंडियन लॉ फॉर्म्स रजस्टर्ड और अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ इन द कॉरस्पॉन्डिंग फॉरन कंट्री तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ पर जो इंडियन लॉ फर्म्स यहाँ पर इंडियन लॉयर्स जितने रजिस्टर है वो बहुत कम है और इंडिया में उस पर्टिकुलर कंट्री के जो फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फॉर्म से बहुत ज़्यादा हैं तो बेसिकली अगर यहाँ पर ऐसा लगता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर रजिस्टर करने से मना कर सकती है किसी फॉरेन लॉयर या लॉ फॉर्म को अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से फ़ॉन लॉयर्स या फॉरन लॉ फॉर्म्स यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं तो बस आपको यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं कि नॉन लिटिकस मैटर में ही यहाँ पर अलाउ किया गया है इसके अलावा ये अभी भी अपीयर नहीं हो सकते हैं किसी भी कोर्ट के सामने इसके अलावा यहाँ पर किसी भी रेगुलेटरी या स्टार्ट अथॉरिटी के सामने फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट जो प्रैक्टिस है इसमें यहाँ पर रेसिप्रोसिटी का रूल एप्लीकेबल नहीं है तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए नेक्स्ट है थ्रेट्स डिसेंट कांट बी ग्राउंड फॉर गवर्नर टू कॉल फ्लोर टेस्ट अब ये सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है तो बेसिकली महाराष्ट्र में क्या हुआ था महाराष्ट्र में यहाँ पर कुछ रेबल एम हो गए थे जो कि शिंदे फैक्शन में जा रहे थे अब जब ये शिंदे लेट फैक्शन में गए तो उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के उस समय इन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट वोट होगा अब इन्होंने ट्रस्ट वोट क्यों कहा उसका रीज़न क्या था इनके पास तो इनका रीज़न ये था कि जो एम एल यहाँ पर उद्धव ठाकरे लेट फैक्शन से दूसरे फैक्शन में जा रहे थे तो उनको यहाँ पर थ्रेट दिया जा रहा था कि आपको यहाँ पर मार दिया जाएगा आपका मर्डर हो जाएगा और इस बेसिस पर इन्होंने ट्रस्ट वोट के लिए कह दिया अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर उनको डराया धमकाया जा रहा था कि आप यहाँ पर उद्धव ठाकरे को छोड़कर नहीं जा सकते हो दूसरे फैक्शन में तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है इसके बेसिस पर आप यहाँ पर ट्रस्ट ये कैसे कह सकते हो कि आपको यहाँ पर ट्रस्ट वोट कराना पड़ेगा या तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होगा तो गवर्नर को किसी भी ऐसे एरिया में एंटर नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर फॉल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है थ्रेड्स टू रेबल शिवसेना एम एल एज कुड नॉट हैव बीन द ग्राउंड टू अन्ट द उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र इन क्वायरिंग द रोल ऑफ द गवर्नर इनक्वायरिंग अबाउट द मटीरियल बिफोर हिम ऑन द बेस ऑफ विच इन्होंने ट्रस्ट वोट को ऑर्डर किया था और उसके बाद पता चला इन्होंने ये जो ट्रस्ट वोट को ऑर्डर किया था ये इस बेसिस पर किया था कि ये जो यहाँ पर रेबल एम एल एज है उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आपका यहाँ पर मॉडर कर दिया जाएगा तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पॉइंटिंग आउट दैट मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर पार्टी लूजिंग कॉन्फिडेंस इन लीडर ये एक इंटरनल पार्टी अफेयर है और इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन गवर्नर को इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं थी द ट्रस्ट वोट इज नॉट फॉर डिटर्माइनिंग हु इज टू बी योर लीडर इन द हाउस फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पर क्राइसिस थी तो शिवसेना में थी और शिवसेना की क्राइसिस ये थी कि इनका लीडर कौन होना चाहिए इनका लीडर यहाँ पर एक शिंदे होने चाहिए या तो उद्धव ठाकरे होने चाहिए तो गवर्नर ट्रस्ट वोट इज वे मेजोरिटी इन हाउस इज शेकन लेकिन यहाँ तक तो बात पहुँची ही नहीं थी तो पर गवर्नर ने ट्रस्ट वोट के लिए कहा गवर्नर ने पर टेस्ट के डिसीजन तो किया गया है. कि इनकी जान को यहां पर खतरा है और कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो यह कोई बेसिस नहीं हो सकता है फ्लोर टेस्ट को कॉल करने के लिए द सीज आई आस्ट वेदर द गवर्नर कैन कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट मेयर नहीं क्योंकि यहां पर पॉलिसी डिफरेंस है विद इन अ पार्टी ऑन वट एवर एस्पेक्ट ये बेसिस नहीं हो सकता है फ्लोर टेस्ट का द गवर्नर शुड नॉट एंटर इन टू एनी एरिया जिसकी वजह से फॉल ऑफ अ गवर्नमेंट हो सकता है दे मस्ट एक्सरसाइज दीज पावर्स विद द ग्रेटेस्ट सर्कम इंस्पेक्शन सेट द कुड हैव वेटेड फॉर द मानसून सेशन और मानसून सेशन में अगर रेवेन्यू मेजर्स को लेकर यहां पर जो भी बिल है ये पास नहीं होता तो अपने आप ही यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता और सरकार यहां पर गिर जाती तो गवर्नर को यहां पर फ्लोर टेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी तो ही सेट द एम एल एस कुड हैव वेटेड फॉर द मॉनसून सेशन विच वॉज गोइंग टू हैपन सून एंड इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट गेट द वोट फॉर रेवन्यू मिज दे वुड हैव बीन आउट तो ऐसा क्यों नहीं किया गया द सी जे एस सेट द डिसटिस्फैक्शन विद इन अ पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉस ऑफ मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट और ये जो डिससेटिस्फैक्शन था ये तो एक पार्टी में ही था शिवसेना में ही था कि यहाँ पर इनका लीडर कौन होना चाहिए इनको सही से कौन रिप्रेजेंट करेगा एक नाथ शिंदे करेंगे या तो उद्धव ठाकरे करेंगे ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है आगे चलते हैं हम एक्सपोर्ट्स डिप गवर्नमेंट प्लान टू कर्व नॉन असेंशियल इम्पोर्ट्स अब इम्पोर्ट्स तो हमारे ज़्यादा ही हो रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स जो हैं ये कम होते जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं इम्पोर्ट्स उतने ही बने हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट ना इंक्रीज़ हो उसके लिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो नॉन असेंशियल इम्पोर्ट्स हैं इसको यहाँ पर कम किया जाए इसके ऊपर यहाँ पर रोका जाए तो टू करब नॉन असेंशियल इम्पोर्ट्स तो इसका रीज़न यही है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना हो जाए फाइव थाउजेंड वर्क ऑफ आर्ट फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हाईलाइटिंग फाइव थाउजेंड ईयर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन तो हमसा इस स्वान जो कि रिप्रेजेंट करता है डिसर्नमेंट एंड विजडम फिर यहाँ पर मकरा मकरा क्या है अमिथिकल एक्वेटिक क्रिएटर दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स जो कि रेप्रेजेंट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फिर यहाँ पर है शरदुला शर्दुला क्या है अमिथिकल एनिमल दैट इज सेट टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स तो ये जो हमने तीन टर्म्स डिस्कस किए हैं शरदला हमसा और मकरा ये आपको बस पता होने चाहिए बाकी फोस्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, नहीं है अब हम चलते हैं आगे यू एस रिकोगनाइज महोन लाइन इज बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल अब यू एस ने मैकमान लाइन को रिकोगनाइज कर लिया इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि यू एस बी ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का यू एस रिकोगनाइज द मैक महोन लाइन एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू अ बाई सेनेट रेजोल्यूशन दैट सीज की अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का तो चाइना ने लास्ट ईयर ही ट्रांसग्रेशन किया था अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि चाइना का ये कहना है कि हम यहाँ पर मैक लाइन को नहीं मानते हैं लेकिन यू पर कर रहे हैं मैक लाइन को इसका मतलब यह है कि यू एस ए मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का आगे चलते हैं बीजिंग प्लेस पीस मेकर तो यहाँ पर क्या बात की गई है तो बेजिंग ने बेसिकली यहाँ पर जो सऊदी और ईरान है इनके बीच में यहाँ पर डील कराई है दोनों ही कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम दोनों ही कंट्रीज़ में जो भी एम्बेसीज हैं उसको खोलेंगे और अपने रिलेशंस को रिवाइव करेंगे अब इनके रिलेशंस ख़राब किए हुए थे तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो है यहाँ पर कि जो सऊदी है ये सुन्नी कंट्री है जो यहाँ पर ईरान है ये शिया कंट्री है और 2016 में एक शिया क्लरिक था उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा दिया गया था बाई द सऊदी अथॉरिटीज़ और जिसकी वजह से हमें तेहरान में बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला था लेकिन यहाँ पर जो बीजिंग है उसने बेसिकली यहाँ पर पीस मेकर का, का काम किया है तो इससे ये इमेज आ रही है कि यहाँ पर जो बीजिंग है ये इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहता है पहला पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट ये कि वेस्ट का डोमिनेंस मेनली यहाँ पर यूएसए का डोमिनेंस बहुत हुआ करता था वेस्ट एशिया में मिडिल ईस्ट में लेकिन ये कहीं ना कहीं हम डोमिनेंस खत्म होता हुआ देख रहे हैं और यहाँ पर जो चाइना है इसका पॉलिटिकल क्लाउड इंक्रीज होता जा रहा है मिडिल ईस्ट में अब इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है तो इंडिया के रिलेशंस वैसे तो मिडिल ईस्ट कंट्री से अच्छे ही हैं लेकिन ईरान के साथ हमारे रिलेशंस का ज़रूर हमें डाउन टाउन देखने को मिला था क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर सेंशनस लगा दिए थे उसके बाद हमने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया था हमने यहाँ पर रियाल रुपी रियाल एग्रीमेंट ज़रूर किया था लेकिन उसके बाद भी हमने ईरान के साथ ट्रेड नहीं किया तो ईरान के साथ हमें रिलेशन ज़रूर रिवाइव करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू करने की वापस से ज़रूरत है ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है

पीस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेसिकली यहाँ पर चाइना ने एक शिया कंट्री और एक सुन्नी कंट्री के बीच में पीस इस्टेब्लिश कराया है द डेवलपमेंट शुड नॉट हैव कम इज अ सरप्राइज द यू एस इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट अब यू एस जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा मिडिल ईस्ट को क्योंकि यूएस अब एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं क्योंकि यूएस के पास खुद का ऑयल और गैस आ चुका है लेकिन यूएस उसके बाद भी इनके साथ रिलेशंस को अच्छा बनाकर चल रहा था क्योंकि यूएस को पता है कि जो यूएस के अलाइज़ हैं ये अभी भी इस रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है इट रिमेंस इंगेस्ड बिकॉज इट्स मेजर अलाइज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम द रीजन और इसके अलावा यू ने ये डिसाइड किया था कि जो भी यहाँ पर सुन्नी कंट्री है हम यहाँ पर सुन्नी कोलिशन बनाएंगे और इसराइल के साथ इनके रिलेशन अच्छे कराएंगे और ईरान को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया जाएगा तो ये जो यहाँ पर यू का गोल था ना ये अब यू एस अचीव नहीं कर पाएगा तो इट हैज़ प्रोटेड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन और इसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स कराए थे जिसमें यहाँ पर इसराइल को रिकॉगनाइज किया गया था सम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल बहरेन इसराइल यू ए बाद में यहाँ पर सुडान एंड मोरक्को ने भी इस अकॉर्ड को ज्वाइन किया था तो आपको इब्राहिम अकॉर्ड्स पता होने चाहिए सेप्टेम्बर दो हजार बीस में साइन किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के दौरान वॉर आ सिग्नीफिकेंट डिप्लोमैटिक अचीवमेंट विद द यू ए ई बहरेन एंड इसराइल अनाउंसिंग दर इंटेंट कि डिप्लोमैटिक एंड ट्रेड रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे चाइना हेज लेवरेज इट्स सबस्टेंशल इकोनॉमिक ट्रेड एंडलीमिलिटरी रिलेशन और ईरान और सऊदी अरेबिया की यहाँ पर एक डील ब्रोकर करा दी गई है इट इज रिपोर्टेड कि यहाँ पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट है ये मॉस्को को विजिट करेंगे एंड उसके बाद ये यूक्रेन के लीडर से भी बात करेंगे वलादोमिर जेलेंसकी से बात करेंगे तो शी यहाँ पर क्या इमेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल पीस मेकर हैं अब इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है तो इंडिया हैज़ डन वेल इन रीसेंट ईयर्स फॉर एग्जांपल हमारे गल्फ़ स्टेट्स के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं फिर यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो या तो यूएई हो या तो ओमान हो या तो इसराइल हो हम यहाँ पर आई टू यू टू का भी पार्ट हैं जिसको कि यहाँ पर वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं इंडिया हैज़ सो फॉर अवॉइडेड कमेंटिंग ये जो यहाँ पर ईरान सऊदी डील हुई है इट शुड वेलकम इट और हमें यहाँ पर ईरान के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा इन्ेंस करने की ज़रूरत है क्योंकि ईरान के साथ कहीं ना कहीं हमने अपने रिलेशन को डेमिनिश होते हुए देखा है जब से यहाँ पर ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंशनस लगाए थे इट इज़ नॉट इन इट्स इंटरेस्ट टू सी चाइना इन ट्रेंच इट सेल्फ इन अ कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना ने बेसिकली यहाँ पर पच्चीस साल की सिक्योरिटी का पैक्ट किया है इकोनॉमिक पार्टनरशिप की है ईरान के साथ वर्थ फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर अगर ये सच है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया इसको मैच तो नहीं कर पाएगा लेकिन उसके बाद भी हमें ईरान के साथ अपने रिलेशन को रिवाइव करने के ऊपर फोकस करना चाहिए और चाबार पोर्ट के ऊपर काम वापस से शुरू करना चाहिए एंड द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट वुड लिंक इट टू सेंट्रल एशिया नेक्स्ट है द विलेज बाई द बॉर्डर तो यहाँ पर बात की गई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो कि लास्ट बजट में अनाउंस किया गया था अभी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बॉर्डर विलेजेस को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और एंड बॉर्डर विलेजेस में यहाँ पर कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी तो बॉर्डर विलेजेस एक्चुअली यहाँ पर घोस्ट विलेजेस होते जा रहे थे इसका रीज़न ये है कि जो भी वहां पर लोग रहते थे वो वहां से माइग्रेट कर रहे थे अगर वहाँ पर कोई फैसिलिटी ही नहीं है वहां पर कनेक्टिविटी ही नहीं है वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है तो लोग वहां पर क्यों रहेंगे तो लोग वहां से छोड़ जा रहे थे अब ये विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये बेसिकली यहाँ पर ईयर एंड आईज ऑफ द नेशन है आई यूज टू शडर अपॉन विटनेसिंग मास एक्सोडस फ्रॉम विलेजेस जो कि यहाँ पर चाइना को बॉर्डर कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहा करते थे तो उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से ये लोग अपने गाँव को छोड़कर माइग्रेट कर रहे थे दिस फिनन इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बल्कि आपको बाकी दूसरे हिमालयन स्टेट्स में भी मिल जाएगा इन द नॉर्थ ईस्ट लेकिन फिर ये बताया गया है कि मोदी सरकार आती है और मोदी सरकार यहाँ पर बॉर्डर विलेजेज में डेवलपमेंट का, का काम शुरू करती है रिमोट विजेस में यहाँ पर डेवलपमेंट का, का काम शुरू किया जाता है वाइब्रेंट विज प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन एंड इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेजेस अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सो दैट यहाँ पर जो माइग्रेशन इसको स्टेम किया जा सके माइग्रेशन को रोका जा सके बॉडर विलेजेस आर बींग provided with all basic amenities for example modern housing good roads water and electricity supply good education health and communication facilities access to doordarshan channels this initiative will soon transform our border villages neighboring china pakistan nepal bangladesh और यहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल की बात की गई है वहाँ के जो यूथ है उसको एम्पावर किया जाएगा वेमेन को एम्पावर किया जाएगा उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा उनको यहाँ पर ऑन्ट्रप्रोनरशिप स्किल प्रोवाइड की जाएगी टूरिज्म पोटेंशियल को लेवरेज किया जाएगा वन विलेज वन प्रोडक्ट के यहाँ पर कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर पी ग्राम सड़क योजना को ट्वीट किया और ये कहा कि रिमोट विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा विद ऑल वेदर रोड्स फिर यहाँ पर पीएम आवास योजना में ये कहा गया कि पक्का हाउसेज बनाए जाएंगे इन रिमोट विलेजेस पीपल लिविंग इन बॉर्डर विलेजेस दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ आर डिफेंस दे आर आर सेंटर तो जरूरी है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाए ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर इंश्योर की जाए इनको यहाँ पर सारी फेसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए नेक्स्ट है यूनियंस ऑफ आर ओन चॉइस तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज के तो ऑथर ने उसको ही यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है सेंटर के एफिडेफिट को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है कि सेंटर का स्टैंड क्यों इतना ज़्यादा गलत है एट द हार्ट ऑफ द पटिशन बाई द एल जी बी टी क्यू आई ए कम्युनिटी सीकिंग मैरिज राइट लाइज द क्वेश्चन की मैरिज क्या है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पर्सनल लॉज हैं जो कि ये तो बताते हैं कि मैरिज में एंटर करने के लिए क्या होगा मैरिज से आप बाहर कैसे आ सकते हो लेकिन ये डिफाइन नहीं करते हैं कि मैरिज क्या है तो ऑथर ने यहाँ पर डिफाइन किया सबसे पहले मैरिज क्या है तो मैरिज इज अ व व वॉल्ट्री यूनियन ऑफ इक्वल्स जहाँ पर कोई भी अपनी ऑटोनमी को लूज नहीं करता है और ना ही कोई अपनी पर्सनलिटी को लूज करता है द पार्टीज टू द मैरिज रिगार्डलेस ऑफ द सेक्शुअलिटी और जेंडर एग्री टू अ म्यूचुअल बॉन्ड टू प्रोवाइड इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट टू ईदर इन सच एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज द जेंडर और सेक्शुअलिटी ऑफ ईदर पार्टी शुड बी इलेवेंट फॉर ऑल लीगल पर्पजेस प्रॉब्लम कहाँ पर अराइज होती प्रॉब्लम तब अराइज होती जब यहाँ पर डिवॉर्स करना होता है क्योंकि इंडिया में जो प्रीन अप्रीमेंट्स हैं ये अभी भी लीगल नहीं है प्रीनप एग्रीमेंट्स क्या होते हैं तो बेसिकली यहाँ पर शादी से पहले एग्रीमेंट कर लिया जाए कि अगर डिवर्स होगा तो एसेट्स कैसे डिवाइड होंगे तो इंडिया इज नो लॉ फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नॉर् डज इट रिकोगनाइज प्री नप एग्रीमेंट्स लिविंग द पार्टीज टू बी बाउंड बाई द लॉ ऑफ द रिलीजन जिसमें वो बॉर हुए हैं गिवन द वाइड स्प्रेड प्रोब्लम्स ऑफ डिवॉर्स इन इंडियन सोसाइटी प्रीनप एग्रीमेंट्स को यहाँ पर एनकरेज किया जाना चाहिए लेकिन इंडिया में अभी तक प्रीनप एग्रीमेंट्स जो हैं ये लीगल नहीं है अब तो क्या ये है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं शादी नहीं कर सकते अफकोर्स ये शादी कर सकते हैं लेकिन स्टेट इसको रिकोगनाइज नहीं करता है मैरिज की वजह से यहाँ पर बहुत सारे राइट्स फ्लो होते हैं तो ये राइट्स उनको नहीं मिल सकते हैं इसीलिए डिमांड करें कि बेसिकली जो इनकी मैरिज है इसको स्टेट रिकोगनाइज़ करे वॉट द पटीशन फॉर सेम सेक्स मैरिज आर डिमांडिंग इज नॉट द राइट टू मैरी क्योंकि उनके पास फ्रीडम है वो मैरि तो कर ही सकते हैं बट द लीगल रिकोगनीशन की बेसिकली यहां पर स्टेट उनकी शादी को रिकॉग्नाइज करे रिकग्निशन देन बिकम्स एन एक्ट ऑफ द स्टेट के एन द स्टेट विद होल दिस रिकॉग्नीशन इवन वन लोज एंड नो लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इज शो टू एक्जिस्ट क्यों यहां पर स्टेट जो है रिकॉग्निशन को विदहोल्ड कर रहा है जबकि यहां पर स्टेट का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट तो है ही नहीं सच रिकोगशन वुड विदड्रॉ एनी स्टिमा फ्रॉम दैट पीपल माइट अग्री टू क्रिएट विद ईच अदर सोसाइटी कांट हैव अ लेजिटिमेट रोल टू प्ले इन द रिक्निशन ऑफ द यूनियन क्योंकि यहां पर कोई स्टेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है दिस ब्रिंग्स अस टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो कि है एफ एडिट ऑफ द यूनियन मैरिज बिटवीन टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स ये भी यहां पर इंस्टीट्यूशन हो सकता है एग्जांपल ये कहा गया ना कि मैरिज एक सेक्रेमेंट इंस्टीट्यूशन है एक इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन सिर्फ यहाँ पर एक बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में ही नहीं हो सकता है टू विदहोल्ड रिकगनीशन इन द फर्स्ट प्लेस इज टू डिनाई सेम सेक्स पार्टनर्स से हार्ड एंड तो ये केस हमने बेसिकली डिस्कस किया था यहां पर जो होमोसेक्सुअलिटी है इसका डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया था द एफिडेफिट सीक्स टू इम्पोज ऑन द नेशन एज अ होल रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन टू विच एन इंडिविजुअल में बिलोंग अट्रोनॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज विच अपार्ट फ्रॉम बींग होमोफोबिक पेट्रियर्कल भी है द लॉ कांट मैंडेट कि आप किससे शादी करोगे आप कब शादी करोगे ऑफ होम यू मैरी ऑल इट कैन डू कि आपको कोई दे सकता है तो नहीं दे सकता है तो हेट्रोसेक्शुअल कपल्स में यहाँ पर रिकोग्शन स्टेट प्रोवाइड करता है होमोसेक्शुअल कपल्स में नहीं कर रहा है इट इज़ टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को रिकोगनाइज करे और जो एल जी बी टी क्यू आई ये कम्युनिटी है उनको उनके राइट्स दिए जाए नेक्स्ट है यहाँ पर टूवर्ड्स ई जस्टिस तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि किसी भी चीज़ में ई लगाने से ऐसा नहीं होता कि गवर्नेंस इंप्रूव हो जाती है तो गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कदम उठाने पड़ते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स फेसिलिटेड बट इसकी वजह से ऑटोमेटिकली पुलिस परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो यहाँ पर सी सी टी एन एस की बात की गई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए सी सी टी एन एस को लेकर आया गया था सीसी टी एन एस फीड्स इंटू द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये कवर करता है ई कोर्ट्स ई प्रेजेंस फॉरेंसिक प्रोजिक्यूशन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी सो दैट यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बन सके और यहाँ पर बेटर गवर्नेंस हो सके द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज मेंट टू बी अ डेटरेंट अगेंस्ट क्राइम और जो यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट हैं उनको पनिश किया जाए और जो बोर्नाफाइड लोग हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए इफ अ क्राइम इज कमिटेड तो इन्वेस्टिगेशन होती है एफ होती है चार्जशीट होती है प्रोजीक्यूशन होता है सक्सेसफुल कन्वेक्शन होता है ऑफ़ these फाइव जो लास्ट टू है इसका तो यहाँ पर आई सी जे एस से लेना देना है लेकिन जो बाकी हैं इनका यहाँ पर पुलिस से लेना देना है अगर हम यहाँ पर आई पी सी की बात करें आई पी सी क्राइम्स में तो इन्वेस्टिगेशन रेट यहाँ पर सिक्सटी फाइव परसेंट तो बाकी थर्टी फाइव परसेंट में क्या हो रहा है अगर हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उनके अलग ही इशूज़ हैं फॉर द रेस्ट अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रेट की बात करें तो गुजरात में नाइन्टी फाइव परसेंट है लेकिन असम में यहाँ पर चालीस परसेंट से भी कम है तो इतना ज़्यादा क्यों है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यहाँ पर स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है ये नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन यहाँ पर किसी और स्टेट में रह रहा है तो उसके लिए यहाँ पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें इस लेवल तक पहुँचना है कि बेसिकली वन कंट्री वन प्रिजन तो सी सी टी एन एस इज डिज़ाइन टू अचीव दैट देयर आर अराउंड सेवनटीन थाउजेंड पुलिस स्टेशन एंड मोर देन नाइनटी सेवन परसेंट हैव सी सी टी एन एस सॉफ्टवेयर अब इनको करना क्या होता है इनको डेटा डिजिटाइज करना होता है डेटा माइग्रेशन करना होता है एफ आई आर रजिस्ट्रेशन को फीड करना होता है इन टू सी सी टी एन एस सिटीजन पोर्टल को लॉन्च करना होता है तो बहुत सारे स्टेट्स ये कर क्यों नहीं रहे तो सबसे पहली बात है अंडर स्टाफिंग की बेसिकली इनके पास बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं लोग नहीं हैं बोध पुलिस एंड प्रेजेंस ये स्टेट लिस्ट में आता है 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर मॉडर्न मॉडल प्रेजेंट मैनुअल लेकर आए थे लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया है अब यहाँ पर ये कहा गया है जो प्रिजनर्स हैं इनके पास आधार नहीं होता है अब आधार आप मैंडेटरी तो नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पर इनको सर्विसेज देनी है लेकिन ऑफकोर्स इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना ऑफकोर्स आधार कार्ड भी मेड मैंडेटरी सिंस बीइंग अ प्रिजनर कार्ड भी इंटरप्रेटेड रेसीपेंट हो चुका है गवर्नमेंट वेलफेयर बेनिफिट्स का और इसके पास आधार होना ही चाहिए ऐसा नहीं है लेकिन इनके पास कोई तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो वन कंट्री वन पुलिस वन प्रिजन हमें इस प्रिंसिपल तक पहुंचना है नेक्स्ट है प्री अरेस्ट बेल तो यहाँ पर बेल के बारे में बताया गया है कि बेल कहाँ पर डिफाइन किया गया है एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कंडीशन क्या है बेल की ऑल दो बेल हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली डिफाइंड इन द इंडियन स्टाच्यूट्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता है बेलेबल ऑफेंसिस कौन से हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेज कौन से नॉन बेलेबल बेसिकली जो यहाँ पर सीरियस टाइप के ऑफेंसेज होते हैं इट आइडेंटिफाइज थ्री काइंड ऑफ बेल रेगुलर बेल इंटेरम और शॉर्ट टर्म बेल विच इज गिवन जब यहाँ पर रेगुलर या एंटी सिपेट्री बिल एप्लीकेशन पेंडिंग है और थर्ड होता है एंटीसिपेट्री या प्री अरेस्ट बिल एंटी या प्री अरेस्ट बिल क्या है तो बेसिकली अगर पर्सन को लगता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो वो यहाँ पर एंटीसिपेट्री बिल को सीख कर सकता है तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंटीसिपेटरी बिल को अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी आफ्टर द फोटी फर्स्ट लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1969 क्योंकि यह कहा गया था कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो ये वायलेशन हो रहा है उसकी पर्सनल लिबर्टी का और कभी कभी यहाँ पर पॉलिटिशियंस क्या करते हैं अपने ओपोनेंट्स को डिटेन करते हैं फॉल्स केसेस में कंडीशंस ऑफ बेल तो कंडीशंस क्या हैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस ज़रूर हैं फॉर एग्जांपल कि जो पर्सन है ये कहीं कंट्री से बाहर ना चला जाए कहीं ये हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है कहीं इसको अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए तो कहीं ये एविडेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकता है टेम्परिंग तो नहीं कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन फोर थर्टी एट सी आर पी सी कैन बी ग्रांटेड वेन एनी पर्सन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट उसको अरेस्ट किया जा सकता है ऑन एन एक्विजिशन की इसने यहाँ पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है तो ये यह यहाँ पर एंट्री बेल को सीख कर सकता है एंटीसीबेटरी बेल सिर्फ यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही ग्रांट कर सकता है फॉर नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस फॉर विच वन एंटीसिपेट्स अरेस्ट भले ही यहाँ पर एफ नहीं रजिस्टर की गई हो नॉन अवेलेबल ऑफेंसिस आर मोर सीरियस जिसमें यहाँ पर तीन साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान होता है एंड अमेंडमेंट टू सेक्शन फोर थर्टी एट इन टू थाउजेंड फाइव ले डाउन प्रिंसिपल्स की क्या यहाँ पर प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया जाएगा बिफोर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बिल तो ये देखा जाएगा कहीं अक्यूज फ्ली तो नहीं कर सकता है कहीं ये हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है कहीं एविडेंस के साथ टेम्परिंग तो नहीं कर सकता है नेक्स्ट है बैंक्स डेट अ टू बिक्टू फिल तो यहाँ पर बात की गई है डी एस आई बी की डी एस आई बी क्या होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है ये होता है बियॉन्ड टू परसेंट ऑफ़ द जीडीपी अगर इनका साइज इतना बड़ा है बियॉन्ड टू परसेंट ऑफ द जीडीपी डी इसका मतलब ये है कि अगर ये फेल होते हैं तो इकोनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका मतलब ये है कि इनको किसी भी हाल में फ़ेल होने नहीं देना है और हो सकता है कि इन बैंक्स को ऐसा अहंकार हो जाए कि ये तो बहुत बड़े बैंक हैं और अगर ये रिस्क टेकिंग भी कर रहे हैं या तो ये लॉस में भी जा रहे हैं तो सरकार इनको बचाएगी अब सरकार कैसे बचाती है तो सरकार के पास खुद का कोई पैसा थोड़ी है बेसिकली पर टैक्स पेयर का मनी यूज किया जाएगा और इन बैंक्स को यहां पर बेल आउट किया जाएगा ठीक है तो ये जो बैंक्स हैं जो टू बिग टू फेल हैं जिनका साइज यहां पर टू परसेंट ऑफ द जी है इनके लिए यहां पर कुछ एडिशनल ऑब्लीकेशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका यहां पर कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना होगा आपको यहां पर कैपिटल कितना रखना है और इनके लिए यहाँ पर ज़्यादा रूल्स एंड ऑब्लेशनस होते हैं कि इनको किसी भी हाल में फ़ेल होने नहीं देना है क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो बेसिकली यहाँ पर इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा तो इंडिया में ये कौन से बैंक से डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स तो इंडिया में बेसिकली यहाँ पर आर ने तीन बैंकसों को कह रखा है कि ये यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जो कि है एस बी आई आई वॉट इज द बेसिस फॉर द कॉन्फिडेंस इन द रीजिल्स ऑफ इंडियन बैंक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक कोलाप्स हो गया लेकिन इंडिया के बैंक के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा इसका रीजन क्या है इसका रीजन सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में जो डिपॉजिट्स आते हैं ये डिपॉजिट्स आते हैं हाउस होल्ड सेविंग्स के द्वारा जो यू में डिपॉजिट्स आते हैं ये कॉरपोरेट्स के द्वारा आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क होता है इन सारी बातों का तो अकॉर्डिंग टू द बैंकर हाउस होल्ड सेविंग्स कॉन्टीट्यूट मेजर पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द यू एस ए लार्ज पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स आर फ्रॉम अलार्ड चंक ऑफ इंडियन डिपोजिट जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है मोस्ट ऑफ द रेस्ट इज विद वेरी स्ट्रांग प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स जैसे कि एच डी एफ सी आई सी आई सी आई एक्सिस बैंक कस्टमर्स नीड नॉट वरी अबाउट देयर सेविंग्स द बैंकर सेट क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा स्टेप इन करती है अगर बैंक यहाँ पर डिफिकल्टीज को फेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम येस yes बैंक की बात करें तो येस yes बैंक में यहाँ पर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट करके बैंक yes को बचाया गया था इन इंडिया द अप्रोच ऑफ द रेगुलेटर हैज़ जनरली बीन दैट कि डिपॉजिटर मनी को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में द बेस्ट एग्जाम्पल इज द रेस्क्यू ऑफ द येस बैंक जहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था येस बैंकों की येस बैंक को, को यहाँ पर किसी भी तरीके से डूबने नहीं देना इसको यहाँ पर बचाना है RBI has arranged to provide adequate cash to ICICI Bank to meet the demand of its डिमांड at its branches and ATMs. ब्रांचेस एट तो बेसिकली यहाँ पर आईसीआईसीआई के बारे में बताया गया है कि आईसीआई सी आई में क्या हुआ था लोगों ने यहाँ पर एटीएम में लाइन लगा दी थी तो आरबीआई ने यहाँ पर एडिक्वेट कैश प्रोवाइड किया कि लोग जो यहाँ पर ए टी एम में जा रहे हैं पैसा निकालने उनके पास पैसा हो कि उनका भरोसा बना रहा है कि आईसीआईसीआई यहाँ पर नहीं डूबेगा विच बैंक्स आर क्लासीफाइड एस डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक तो आर बी आई ने क्लासीफाई कर रखे है कि जो एस बी आई है जो आई सी आई सी आई है जो एच डी एफ सी है ये यह यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है तो ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट बैंक है तो उनको ये कहा गया कि आपके लिए यहाँ पर जो कॉमन इक्विटी टीयर वन रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी ज्यादा होगी अगर आपने यहाँ पर बासल नॉम्स पढ़ाए तो आपको यह सब समझ आ रहा होगा कि कैपिटल कंजर्वेशन परफर क्या होता है कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल क्या होता है द एडिशन कॉमन इक्विटी टीयर वन रिक्वायरमेंट फॉर डी एस आई बीज वॉज फेड्ड फ्राम एप्रिल ट्वेंटी सिक्सटी और ये इफेक्टिव हो गया था दो हज़ार उन्नीस से एडिशनल वन रिक्वायरमेंट ये इन एडिशन था टू द कैपिटल कंजर्वेशन बफर अंडर द डी एस आई बी फ्रेमवर्क अनाउंसड बाय आरबीआई ऑन 2014 सेंट्रल बैंक वाज रिक्वायर्ड फॉर 2015 कि ये यहां पर डिजाइनट करेंगे बैंक्स को एसडीएसआईबीज और इनको यहां पर एप्रोप्रिएट बकेट में रखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैंक की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बकेट में रखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एस आई बी जो एस बी आई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई सी आई सी सी और अगर हम बाकी बैंक की बात करें एच डी एफ सी तो उनके पास उतना एसेट साइज नहीं है जितना यहाँ पर एस बी आई का है बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम बैंक एज ऑन मार्च थर्टी वन ट्वेंटी सेवनटीन एच डी एफ सी बैंक वॉस क्लासीफाइड एस डी एस आई बी अलॉन्ग विद एस बी आई एंड आई सी आई सी आई तो ये जो पूरा यहाँ पर सिस्टम लेकर आया गया कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को क्लासीफाई किया जाएगा ये कैसे इनिशिएट हुआ तो बासल स्विट्जरलैंड बेस्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो कि इनिशिएटिव है जी ट्वेंटी नेशंस का हैज़ आइडेंटिफाइड इन कंसल्टेशन विद द बासल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड स्विस नेशनल अथॉरिटीज कि ये यहाँ पर ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है तो ऐसे कुछ यहाँ पर तीस ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक से कंट्रीज की उनको ये कहा गया कि आपको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं अपने कंट्रीज में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने क्लासिफाई कर रखा है कि ये जो तीन बैंक हैं ये यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं प्रोसीजर क्या होता है तो सबसे पहले यहां पर सैंपल सेलेक्ट किया जाता है कौन से बैंक्स को देखा जाता है जिनका साइज यहाँ पर टू परसेंट ऑफ द जीडीपी के बराबर होता है तो बैंक्स हैविंग अ साइज बियॉन्ड टू परसेंट ऑफ द जीडीपी विल बी सिलेक्टेड इन द सैंपल और उसके बाद यहाँ पर यह देखा जाता है कि उस बैंक की सिस्टमिक इंपॉर्टेंस कितनी है एंड सब्जेक्टेड टू अ ग्रेडेड लॉस एब्जॉर्वेंसी कैपिटल सरचार्ज द कास्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक यहाँ पर फेल होता है तो सरकार को यहाँ पर इंटरवीन करना होता है बैंक को बेल आउट कराने के लिए और जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स पेयर का पैसा लगाना पड़ता है तो कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन एंड द कॉन्सिक्वेंशल इंक्रीज इन मॉरल हेज आर्ट रिक्वायर्ड फ्यूचर रेगुलेशन पॉलिसीज इस तरीके से होनी चाहिए कि जो प्रॉबीबिलिटी है फेलियर ऑफ़ द एस आई बीज ये यहाँ पर कम से कम हो ऐसा हीस जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इनको परसीव किया गया है कि ये टू बिग टू फेल हैं कि ये इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते इनको फेल होने नहीं दिया जा सकता है हाउ एवर दिस परसेप्शन क्रिएट्स एन एक्सपेक्टेशन अब इन बैंक्स को भी बेसिकली इस बात का अहंकार हो सकता है कि हम तो यहाँ पर बहुत बड़े हैं हम यहाँ पर फेल नहीं हो सकते हैं और जिसकी वजह से इनको ये रिस्क टेकिंग करेंगे ये मार्केट डिसिप्लिन को नहीं मेनटेन करेंगे ये कॉम्पिटेटिव डिस्ट्रॉशन करेंगे ये इस तरीके के काम करेंगे कि यहाँ पर डिस्ट्रेस इंक्रीज हो जाए क्योंकि इनको भरोसा है कि कोई हमेशा इनकी हैंड होल्डिंग करेगा सरकार हमेशा इनको आकर बचाएगी तो ऐसा ना हो इसके लिए इनके लिए एडिशनल पॉलिसी मेजर्स हैं अगेंस्ट सिस्टमिक रिस्क एंड मॉरल हेज आर इशूज वाइल द बारसल थ्री नाम्स प्रिस्क्राइब कि यहाँ पर कैपिटल एडिकुसी रेशो आठ परसेंट का होना चाहिए आर बी आई हैज़ बीन मोर कॉशियस एंड मैंडेटेड जो कैपिटल एडिकुसी रेशो होना चाहिए नाइन परसेंट का होना चाहिए फॉर शड्यूल कमर्शियल बैंक्स और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए बारह परसेंट का होना चाहिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्लास्टिक रॉक्स ऑन आइलैंड ऑन ब्राज़ील अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली यहाँ पर प्लास्टिक कहाँ तक पहुंच सकता है प्लास्टिक मैनेस कितना ज्यादा बढ़ गया है तो मेल्टेड प्लास्टिक हैज़ बिकम टॉवाइंट विद रॉक्स और जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है ये जो आइलैंड इसका नाम है ट्रिनडेट आइलैंड ऑफ ब्राजील तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है बॉलकैनिक्रिन ट्रिनडेट आइलैंड ऑफ ब्राज़ील और हमें यहां पर प्लास्टिक डेबरी मिले हैं बेसिकली यहां पर टेम्परेचर जब राइज होता है तो प्लास्टिक यहां पर मेल्ट हो जाता है और ये इम्बेड हो रहा है विद द बीचेस नेचुरल मटीरियल और जिसकी वजह से हमें प्लास्टिक लो मरेट्स देखने को मिल रहा है आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है यहाँ पर प्लास्टिक रॉक कैन प्रैक्टिस बट नॉट अपियर इन कोट वॉट चेंजेस फॉर फॉरन लॉ तो बेसिकली यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टार्ट स्टार्टुटरी बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टार्ट स्टार्टुटरी बॉडी है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अलाउड फॉरन लॉ एंड लॉ फॉर्म्स की ये इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल ये कोर्ट में अपियर नहीं हो सकते हैं लेकिन ये फॉरन लॉ में जो यहाँ पर क्लाइंट्स उनको एडवाइस कर सकते हैं इसके अलावा एडवाइस कर सकते हैं वर्क ऑन कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन में अब इनका ये क्या कहना है कि इन्होंने ये सब क्यों अलाउ किया तो इनका ये कहना है कि एफ डी आई कंट्री में ज़्यादा आएगा अगर हम ऐसा करेंगे अब डी आई कंट्री में कैसे ज़्यादा आएगा तो फॉर एग्जाम्पल जो फॉरन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो ये जो फॉरन लॉयर थे फॉरन लॉ फॉर्म से ये उनको लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर सकेंगे और जिसकी वजह से इंडिया एक हब भी बन सकता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का बी सी आई एक स्टार्ट बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी वन जो कि लीगल प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है और लीगल एजुकेशन इन इंडिया को रेगुलेट करता है

वर्ल्ड पेज पर हम चलते हैं होल्डिंग ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज विद रशिया ईरान दिस वीक से चाइना अब इसका नाम क्या है एक्सरसाइज का तो इसका नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक्सरसाइज यहाँ पर एक लोकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है इसका नाम है आरडियामन ठीक है तो ये टर्की की लोकेशन है ये आपको बस पता होना चाहिए आगे हम चलते हैं ना स्टार्टअप्स मेक अ बी लाइन फॉर गिफ्ट सिटी टू मूव मनी आफ्टर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गई है तो स्टार्टअप्स के यहाँ पर अकाउंट्स थे जो भी इनके डिपॉजिट्स होंगे तो ये डिपॉजिट्स को यहाँ पर बाहर निकाल रहे हैं तो ये डिपॉजिट्स को कहाँ पर लेकर आएंगे तो गिफ्ट सिटी में जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं ये वहाँ पर अपने डिपॉजिट्स को लेकर आ रहे हैं अब जो गिफ्ट सिटी में यहाँ पर डोमेस्टिक बैंक्स हैं इसमें ये क्यों लेकर आ रहे हैं और इसमें क्या फ़ायदा है मल्टीपल इंडियन स्टार्टअप्स अफेटेड बाई द कोल्स ऑफ सिलीकन वैली बैंक हैव स्टार्ट ओपनिंग अकाउंट्स विद डोमेस्टिक आई एफ एस सी बैंकिंग इन गिफ्ट सिटी टू ट्रांसफर डिपॉजिट फ्राम यूएस बेस्ड लैंडर सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो गिफ्ट सिटी में बैंक होते हैं यहाँ पर फॉरिन करेंसी में ही डिपॉजिट हो सकता है यहाँ पर रुपी करेंसी में डिपॉजिट नहीं हो सकता है गिफ्ट सिटी कंट्री का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इस्टबलिड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट देर ओवरसीज बिजनेस ऑपरेटेड थ्रू ब्रांचेज इन अदर कंट्रीज और ट्रांजेक्शन जो हो सकते हैं ये फॉरन करेंसी में ही हो सकते हैं रुपीज़ में नहीं हो सकते हैं और टोटल ऑफ थर्टीन डोमेस्टिक बैंक है आई एफ एस सी बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी फिर यहाँ पर नाम दिए गए कि ये कौन कौन से बैंक हैं गिफ्ट सिटी आई एफ एस सी इज इस्टैब्लिश फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट देयर ओवरसीज बिजनेस ऑपरेटेड थ्रू ब्रांचज इन अदर कंट्रीज इसके अलावा जब तक ये रीपेट्रेट नहीं करेंगे पैसा इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा जब ये पैसा रीपेट्रेट करेंगे तब जरूर इसके ऊपर यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल होगा तो आज के न्यूजपेपर में इतना ही था अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाइलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो ये आपको कॉस्ट करेगा हंड्रेड रुपीज पर मंथ इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है देन यू हैव टू चेंज योर यो सेटिंग्स और आप पे कर सकते हो वाई आई यू पी आई टू द मैंशन यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉग विद टेलीग्राम यूज़र आई टू द मैंशन ई मेल आई डी ये जो सेकंड प्रोग्राम था रिविजन सीरीज ये अब क्लोज हो चुका है तो अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया है रीड तो फर्स्ट पेज पर हमने रीट किया कि जो थ्रेड्स डिसेंट या ग्राउंड नहीं हो सकता है गवर्नर के लिए कि गवर्नर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए कह दे तो गवर्नर यहाँ पर ट्रस्ट वोट के लिए नहीं कह सकता है थ्रेड्स और डिसेंट के बेसिस पर फिर फॉरन लॉयर्स लॉ फॉर्म्स प्रैक्टिस कर सकते हैं सेलेक्ट फील्ड्स में ऐसा यहाँ पर कहा गया है बार कांसल फंडे के द्वारा बार काउंसिल फंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फिर हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स देखे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमसा क्या होता है मकरा क्या होता है शरदुल क्या होता है ये सब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फिर यू ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया है मैक माउन लाइन को तो उसका मतलब यह है कि यू एस रिकग्गनाइज़ करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का बीजिंग प्लेस पीस मेकर ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया इंडिया को यहाँ पर ईरान के साथ रिलेशन को रिवाइव करने की ज़रूरत है इंडिया को चाहबार पोर्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है फिर हमने यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम देखा जिसके बारे में हमने कल भी देखा था फिर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाना चाहिए ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है ई जस्टिस के लिए क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट हमने यहाँ पर प्लास्टिक रॉक्स के बारे में देखा कि प्लास्टिक रॉक्स यहाँ पर पाई गई हैं कहाँ पर पाई गई हैं इन द ट्रेंडेड आइलैंड ऑफ ब्राज़ील एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन कहाँ पर है सीआरपीसी में बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल तो यहाँ पर हमने डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में डिस्कस किया कि डोमेस्टिक सिस्टमेटली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन सी हैं इनको यहाँ पर क्यों क्लासीफाई करने की ज़रूरत आ रही यहाँ पर क्यों डेजिग्नेट करता है कि ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं फिर वर्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि चाइना और रशिया ईरान बाकी भी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक यहाँ पर इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव तो पेपर में क्वेश्चन यही आएगा प्रबिल्स में कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है कौन से कंट्री का इनिशिएटिव है तो ये चाइना का इनिशिएटिव है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना का इनिशिएटिव है याद रखना इस बात को फिर हमने यहाँ पर गिफ्ट सिटी के बारे में डिस्कस किया आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और आप कॉमेंट भी कर सकते हो थैंक यू एंड हैव नाइस डे